नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉ दादा की एक और नई YouTube वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लोक अदालत के बारे में। अक्सर हम ये नाम सुनते हैं और न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे क्या है लोक अदालत का मतलब और क्या है इसका पर्पस। हम लॉ में दो तरीके के ऑफेंसेस के बारे में पढ़ते हैं। एक होते हैं कंपाउंडेबल ऑफेंसेस और दूसरे होते हैं नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जिसमें आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, दोनों पार्टीज के बीच में एक कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। लेकिन नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस में आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, जैसे कि मर्डर। अब जाहिर सी बात है, अगर किसी ने किसी का मर्डर कर दिया है तो आप वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ तो करेंगे नहीं। ऐसे ही जो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस होते हैं वो फॉल करते हैं लोक अदालत के एम्बिट में। कोई भी कंपाउंडेबल ऑफेंस जो कि किसी भी कोर्ट में पेंडिंग है या फिर प्री लिटिगेशन स्टेज पे है, मतलब वो अभी तक कोर्ट पहुँचा ही नहीं है, वो सारी पार्टीज जा सकती हैं लोक अदालत अपने इशू को रिजॉल्व करवाने के लिए। अक्सर लोगों को ये लगता है कि अगर आपकी गाड़ी का कोई चलान आया है आप उसको माफ़ करवाने के लिए लोक अदालत जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और भी बहुत सारे केसेस और डिस्प्यूट्स होते हैं जिसको लेके आप लोक अदालत जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, फैमिली डिस्प्यूट, लेबर डिस्प्यूट, कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल का केस, टेलीफोन बिल का केस या फिर कोई पेंशन का केस, इतने सारे मैटर्स लेके आप लोक अदालत जा सकते हैं। अब अगर हम थोड़ा सा पास्ट में जाते हैं तो सबसे पहली लोक अदालत ऑर्गेनाइज हुई थी गुजरात स्टेट में ईयर 1982 में। इस कंसेप्ट की पॉपुलैरिटी को देख के सरकार ने पास किया लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987, जिसके अंडर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और कोर्ट्स के अंदर कुछ कमिटीज़ और अथॉरिटीज़ का गठन किया गया जो कि लोक अदालत को ऑर्गेनाइज करेंगी। लोक अदालत की जो पावर्स हैं वो सेम हैं एक सिविल कोर्ट के जैसी। लोक अदालत जो ऑर्डर पास करता है उसको अवार्ड कहा जाता है, जो कि फाइनल और बाइंडिंग होता है और उसका भी स्टेटस होता है एक सिविल कोर्ट की डिग्री के जैसा। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप कोई हमें सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम ऐसी ही और वीडियोज़ आप तक लेके आएँ।